भाई मनोज वाजपेयी ना कुछ भी कर सकते हैं, और साथ में अगर पार्टनर कुंकना सेन जैसा हो भाई, वो इस एज में भी ऐसी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। सीरीज बहुत सही है एक्चुअली में, ये एक रियल क्राइम पे बेस्ड है जिसमें जो लेडी थी उसने अपने हस्बैंड को जान से मार दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, और एक सूप के चक्कर में वो फंस गई थी, मटन सूप के चक्कर में। आप गूगल पे जाके सिर्फ स्वाति रेड्डी मटन सूप केस लिख देना, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है, एक एक एपिसोड 40 से 45 मिनट का है, ओवरऑल देखोगे 7 से 8 घंटे चाहिए इस पूरे को देखने के लिए। स्टार्टिंग से ही ना पहले दूसरे एपिसोड के बाद से स्टोरी स्लो हो जाती है, चौथे पांचवें एपिसोड के बाद आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि ना आप सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, आप आखिर तक का प्रेडिक्ट कर पाओगे। और इसमें मनोज वाजपेयी के दो रोल है, एक उमेश का एक शेट्टी का। शेट्टी कोंकणा सेन के हस्बैंड है इसमें, जिनको कोंकणा सेन उमेश के साथ मिलकर मार देती। अब मैं ये पूरा रिवील नहीं करूंगा, वो आप जब ये देखोगे आपको खुद पता चलेगा। ओवरऑल स्टोरी बहुत सही है, पहले 3 एपिसोड में हर एपिसोड में एक बंदा जा रहा है, मतलब फ्री हो रहा है। और इसमें कोंकणा सेन को बिल्कुल अनप्रोफेशनल कुक दिखाया है, उनसे कुकिंग होती नहीं भाई, बिल्कुल थर्ड क्लास करती हैं। वो सूप बनाती हैं, देती हैं, उनके हस्बैंड फेंक देते हैं, शेट्टी फेंक देता है, और उसको होटल खोलना होता है उसकी वाइफ को, जिसमें शेट्टी उसके सपोर्ट में नहीं होता और बस टालता रहता है बहाने बुने करके। अब कुंकना सेन का बाहर भी एक अफेयर चल रहा होता है। अब ये जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि दूसरे कैरेक्टर का क्या रोल है, कुंकना सेन क्या कर रही है। इसमें एक इनके छोटे भाई भी दिखाए हैं, उसका क्या रोल है। एक डिटेक्टिव है, एक डिटेक्टिव का भी रोल है जो कि बड़ी जल्दी फ्री हो जाता है। फिर 2-3 पुलिस ऑफिसर है मेन लीड में, उसमें से एक पुलिस ऑफिसर फिर फ्री हो जाता है। स्टोरी वगैरह सही है, डार्क कॉमेडी है, इसमें भी ना कुछ सीन ऐसे आएंगे जिसमें ना आपको हंसी आएगी। एक्टर दमदार है, एक्टिंग भी दमदार है, स्टोरी ठीक है बट स्लो है, ऐसा लगेगा जैसे स्ट्रेच करी हुई है। और भाई इसमें जो पुलिस दिखाई है, पुलिस के जितने करेक्टर दिखाए लगभग सारे फुद्दू दिखाए हैं। एक जो डंका पुलिस वाला दिखाया था उसको टाइम से पहले फ्री कर दिया इन्होंने। इसमें सिर्फ एक ही इशू आएगा देखते हुए, वो है लैंग्वेज का, वो भी सिर्फ इसलिए नीचे सबटाइटल दिए हुए हैं। ये हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में और हैदराबादी में पूरी सीरीज चल रही है। इसमें लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं है, मतलब हैदराबादी हैदराबादी की टोन फॉलो कर रहा है। अगर तेलुगु वाला डायलॉग है तो तेलुगु में ही चल रहा है। आप ये सोचो कि मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। नीचे अपने आप सबटाइटल आ जाएंगे, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। एक बारी को फोकस ऊपर नीचे हल्का सा होगा के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट उसका यार एक प्लस पॉइंट भी है कि ना एक ओरिजिनलिटी, एक ऑथेंटिसिटी बनी रहती है कि ना आप बिलीव कर सकते हो कि ये हर एक करेक्टर जो है काफी रियलिस्टिक लिया हुआ है। मतलब ओवरऑल देखोगे ना तो वो स्टोरी भी आपको ऐसी लगेगी यार किस हद तक कितना बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। पर अगर मेरे को इसको रेट करना हो तो मैं इसको सिर्फ 3.5 स्टार दूंगा, क्योंकि ये स्लो है और खींची खींची सी लग रही है। अब इस पे आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए अलविदा।